हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम नाउ और धारा का पार्ट टू। तो पार्ट वन में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखो, हमने पाँच तक का क्वेश्चन कर लिया था, छठवां क्वेश्चन करेंगे आज। तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो कृपया से पार्ट वन देख लेंगे, और कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो कॉन्सेप्ट वाले दो अलग से जो वीडियो बनाए हैं मैंने उसको देख लेना, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। तो देखते हैं छठवां क्वेश्चन आज। वो छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लीजिए। एक नाव शांत जल में 8 की स्पीड से चल सकती है, धारा की दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो धारा का वेग कितना है? तो सबसे पहले हम करते हैं, एक धारा की दिशा हो गई है, ये शांत जल, ये विपरीत दिशा, ठीक है। अब छठवा, हाँ, ये शांत जल में 8 की स्पीड से चल सकती है, मतलब 8 ये हो गया शांत जल वाला। और क्या बोल रहा है, 4 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 4 घंटे में 48 किलोमीटर। देखो, 48 किलोमीटर और घंटा है कितना, 4, तो 8 छक्का 48, स्पीड क्या हो जाएगी, 6, 6 की स्पीड से जा रही है, तो धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में जा रही है, तो धारा का वेग कितना होगा? शांत जल में आपको दे दिया गया है, तो धारा का वेग कितना होगा? देखो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, 4 से भाग देंगे इतने 48 को, तो 12 बार में जाएगा, सॉरी, ये 6 हो गया, ठीक है, 12 बार में जाएगा। देखो, धारा का वेग पूछा है, माने इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, धारा का वेग क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, वही धारा का वेग होता है। तो 12 और 8 के बीच का डिफरेंस है 4, तो 4 हमारा धारा का वेग होगा, 4 हमारा आंसर होगा, 4 देखो आया होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नदी में धारा का वेग है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है, वापस लौट कर आने में कुछ 12 घंटे में, कुल 12 घंटे लगते हैं, और मोटर बोट की शांत जल में चाल बताइए। देखो, धारा की दिशा में एक शांत जल में और धारा की विपरीत दिशा में चाल, ये तो होता ही है, आपको दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गैप दिया गया है, मतलब ये धारा की गति आपको दी गई है, ये दोनों के बीच का गैप 1 किलोमीटर पर घंटा, और इसमें आपको पूरी बात नहीं बताई गई है, 35 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में, 12 घंटे में तय करनी है, आना जाना दोनों को रहेगा, ठीक है। तो आपको शांत जल में आपको दिया ही नहीं गया है, तो अब क्या करोगे? देखो, क्वेश्चन ये है, यहाँ से यहाँ तक की गई दूरी, धारा की दिशा वापस आई तो विपरीत दिशा है ना, और दूरी ये है 35 किलोमीटर है, और इसमें जो टाइम लग रहा है आने और जाने में कितना घंटा लग रहा है, 12 घंटे, ठीक है। तो आपको शांत जल में निकालनी है चाल, ठीक है, यहाँ पे शांत जल है, इसमें निकालनी है चाल, आपको कुछ मालूम नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो हम एक्स मान लेते हैं, मान लो एक्स शांत जल में चाल है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखो एक्स ज़्यादा है ये, तो एक्स प्लस वन, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, ठीक है। दिशा में जो है x प्लस वन चाल होगी, और विपरीत दिशा में x माइनस वन चाल होगी। तो देखो, टाइम आपको लगना है 12 घंटा, तो जाने में, ठीक है, गोइंग टाइम और इनकमिंग टाइम कितना है, 12 घंटे, तो जाने में जो टाइम लगा
वो 35 किलोमीटर ही है, और स्पीड क्या है इतना। देखो टाइम बराबर क्या होता है, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, इसको ले जाओ तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस है 35, स्पीड कितनी है, देखो स्पीड है एक्स प्लस वन। यहाँ पे डिस्टेंस 35 है, स्पीड आने में कितनी है एक्स माइनस वन, अब 12। और थोड़ा सा और कर लेता हूँ अलग से, ये हो गया एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। इसके आप आगे आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इससे आगे सॉल्व नहीं करना है। अब हमको आंसर चेक करना है, इसमें एक्स का वैल्यू डाल डाल के चेक करना है चारों आंसर, जो जो आए जो सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को वो हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो फिर और एक दो मिनट हो सकता है लग जाए, तो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे नहीं हैं। देखो कितना दिया, देखो आंसर आप देख लो पहले, देखो दिया है 6, 7, 8 और 8.5। ठीक, आपको एक्स की वैल्यू दी गई है 6, 7, 8 और 8.5। तो हम एक एक करके चेक करते जाते हैं जिसमें फिट हो जाए। देखो 6 को ही पहले ले लो, तो 6 को लेता हूँ एक्स की जगह में, 6, 1, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो 1/7 और 1/5, ठीक है। तो ये 7, 5, 35, 7, 5, 12 हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35 है 7, 5, 12, यहाँ पे 7, 5, 12 हो जाएगा, ठीक है 7, 5, 12 और 7, 5, 35, और बाहर कितना है 35, 35, 35 कट जाएगा, 7, 5, 12 बच जाएगा, माने 12 मतलब 12 बराबर आ जा रहा है। तो आंसर ए ही आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम बी चेक करते, फिर सी चेक करते, ऐसे करके हम आंसर ले लेते। तो हमारा वैसे आंसर आ चुका है, आंसर ए होगा, देखो आंसर ए 6। अब हो गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन पढ़िए, एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में 3/4 किलोमीटर की दूरी इतना मिनट में तय कर रहा है 11 सेकंड/4 में, और वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी है, हमने पहले ही बनाए हुए हैं, फिर बना लेते हैं। देखो ये है धारा की दिशा, ये शांत और ये विपरीत दिशा, 3/4 किलोमीटर की दूरी, 11 सही 1/4 मिनट, ठीक है 3/4 किलोमीटर है, और इसको दूरी कितनी है 11 सही 1/4, मतलब 11 44 45/4, ठीक है। तो 45/4 क्या हो जाएगा, 4/45 उल्टा करेंगे तो, ठीक, तो 4 4 कट गया, 3 15 45, तो 1/15 हमारा क्या हो जाएगा, 1/15 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। तो 1/15 क्या हो गया धारा की दिशा में, अब देखो धारा की विपरीत दिशा में, सॉरी ये धारा की विपरीत दिशा में है ना, 1/15 जो है धारा की विपरीत दिशा में है, धारा की दिशा में अलग है, धारा की दिशा नहीं है, धारा की दिशा में 7.5 मिनट लगाता है, ठीक है 3/4 की ही दूरी है, मतलब 3/4 का ही है, और 7.5 मिनट लगा, 7 × 14 = 15/2, तो कितना हो जाएगा 15/2, 2 × 4 3 × 5 = 15, तो 1/10, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। अब शांत जल में, ठीक है शांत जल में तैराक की चाल ही पूछ रहा है, शांत जल में तैराक की चाल क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होता है, इन दोनों के बीच का चीज़ होता है ये, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए आप, 10 1/10 और 1/15 का 2, तो कितना हो जाएगा 5 × 10 5 × 15 30, इसका लघुत्तम 30 हो जाएगा,
तीस, ये नीचे दो है, नीचे गुणा हो जाएगा दो, और 15, 10 या 30, 15 दूनी 30, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 6 30, तो 1/12 होगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, 7.5 मिनट, 7.5 ये मिनट है, सेकंड फर्स्ट और मतलब ये हम जो निकाले थे 15/2 ये मिनट में है, ठीक है, ये मिनट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/10 वाला आया है ये मिनट में आया है, तो मिनट में आए हैं तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से यहाँ पे डिवाइड करते तो ऊपर जो चले जाएगा 60, तो 10 6 60 तो 6 हो गए, सॉरी मैंने मिनट को देखा नहीं था, देखो 6 आएगा, 6, और ये जो है 1/10 की जगह ये 6 है, ठीक है, 1/10 की जगह 6 है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का चीज, दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे, दोनों जोड़ जोड़ हाँ जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 15 6 90, 91/15 हो जाएगा 2, ये भी सॉरी ये आपको मिनट में है, 11.5 वाला ये भी मिनट में है, देखो ये भी मिनट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 से गुणा कर दोगे 15 चौक 60, तो ये भी 4 है, ठीक है, ये दोनों मिनट में था, ये तो बहुत इजी है ये, है ना, तो 6 और 4 के बीच कितना हो जाएगा, 5, 5 हमारा आंसर होगा, 8वां का आंसर 5, ये आंसर, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया था इसके लिए सॉरी, यहाँ पे ये मिनट है और ये भी मिनट है, ठीक है। तो मिनट को आप पहले 60 से डिवाइड करके घंटे में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, तो ऐसा 6 और 4, ये तो बहुत ही ईजी था, हमने डिफिकल्ट बना दिया था, इसके लिए सॉरी। तो आज आज यहीं पे क्लोज करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 3 में आगे के क्वेश्चंस। तो हमारे चैनल अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और फेसबुक के जो सॉरी यूट्यूब के चैनल मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक के चैनल को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।